मस्ती मत कर। ये देख मेरे को डर लगता है रे। अरे भाई मैं तो थक गया, मैं घर जा रहा हूँ। रुक रुक मैं भी चल रहा था। चलो मैं भी चलता हूँ। अरे वो डीजे का क्या हुआ, कौन सा डीजे वाला है और फूल वूल कौन से लगा रहे अपन रिसेप्शन के और संगीत के इसमें? अरे तुम मेरे को मत परेशान करो, तुम बात कर रहे हो ना फोन पे। चलो तुम लोग अंदर जाओ, कुछ नहीं तुम लोग अंदर जाओ। मैक्सिमम तैयारियां तो बहुत अच्छी हो चुकी है, पर मुझे आप बताइए बारातियों का स्वागत हम कैसे करेंगे? बारातियों का स्वागत वेल प्लान किया है, एंट्रेंस पे ही अपने परिवार के सभी लोग खड़े रहेंगे और बाकी सभी अरेंजमेंट इवेंट मैनेजमेंट वालों को दिए हैं। इवेंट मैनेजमेंट वाला पुनीत गौरव का दोस्त ही है। नहीं पुनीत को मैंने सारा प्रोग्राम ड्राफ्ट करके दिया है, वो सारी चीज़ देख लेगा, टेंशन की कोई बात नहीं। लाला भैया ये सब बारात के बारे में क्या है मुझे भी बताओ यार। तुम लोग प्लीज डिस्टर्ब मत करो, काम करो। बैंड बाजा बजाओ, दूल्हा दुल्हन के संग फोटो तो खिंचाओ। हे गजानन जी, मारे 18 ब्याह सुख शांति सु निपटन दे। भाई ये आप काय की पूजा कर रहे, क्या चल रहा घर में? सुख शांति सु पूजा कर दे। क्या चल रहा, शादी के दिन नजदीक आ रहे? अरे अपने यहाँ पहली शादी है, बीजू भैया मायरा लेकर आएगा ना, तो देख रही मैं ये लियो क्या। टेंशन मत ले, सब अच्छा हो जाएगा। दीदी ये मायरा वायरा क्या है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे तुम तो कुछ समझेगा नहीं, जाओ तुम चाचा चाची के पास। चलो यार। अरे भाई दिन पास में आ गए, खाने पीने की व्यवस्था सब हो गई है या नहीं? खाने पीने से ही सब शादी की शान रहती है। सब खाने पीने की सब पूरी व्यवस्था हो गई, हर प्रोग्राम का मेन्यू डिसाइडेड है। अरे शाही भोजन वगैरह रखा है? हाँ शाही भोजन वगैरह सब रखा है। पापा मिठाई वगैरह कौन सी रखी? मिठाई वगैरह सब डिजर्ट और होटल ग्रैंड मल्टीपल का खाना ही देखना नहीं पड़ता। मिठाइयां काय की बात हो रही है राजभैया? राजू का आइसक्रीम है क्या? सब है पापा, मेरे पास में जा तुम। चलो चलो महफिल सजाओ, मुँह मीठा कराओ, बाराती संग ठुमके लगाओ। चाचा चाची हो या मामा मामी हो, सारे रिश्तेदार मम्मी ये क्या, हमको भी डांस करना है। अरे इनका क्या करना है? देख बच्चे सब लोग ऊपर है, तुम लोग ऊपर जाओ, उनसे पूछो क्या क्या। सब भगाओ शादी में, कौन सा रिसेप्शन हो संगीत में? संगीत में ये अच्छा लगेगा तुम्हें, और ये रिसेप्शन ये वाला जबरदस्त है, एक नंबर रिसेप्शन के लिए। हम भी कुछ सूट पहनेंगे, हम भी कुछ पहनेंगे। हम लोग जाओ अभी, हमको कपड़े सिलेक्ट करने जाओ। यार सब लोग मेरे को हट उठ बोल रहे, अब मैं सो रहा। चलो कुछ नहीं होता, अपन भी अपना शादी के लिए प्लान बनाएंगे, एकदम खतरनाक वाला ना, हटके करेंगे हटके। हाँ अपन बच्चों का कुछ एक अलग प्लान करते हैं, बच्चों का एकदम जमाने तोड़, एकदम कोई टेंशन नहीं। शादी तो दो अक्षर की बात है मगर जीवन भर का साथ है। हम आपको निमंत्रण दे, यहाँ आपके प्यार की बात है। आप हमारे यहाँ शादी में पधारे, यह आनंद की बात। हमारी प्यारी अंकिता दुल्हन हो जाएंगी अमन जी की आज। इस शुभ घड़ी पर आप पधारे हमारे द्वार, यह हमारा निमंत्रण करे स्वीकार। वर वधु को दे अपना आशीष हजार, हम करें आपका आदर सत्कार। आयो मिलकर बनाए इन पलों को यादगार। 22 और 23 नवंबर को ग्रैंड महफिल में आप जरूर जरूर पधारिए।